कैटरीना कैफ ने शादी के बाद खाना पकाना शुरू कर दिया। कैटरीना ने पहली बार क्या पकाया और कैसा पकाया कैटरीना ने वीडियो शेयर कर दी। विकी कौशल ने कैटरीना का पहला खाना खाकर क्या कहा और कितनी तारीफें की और साथ ही कैटरीना को अपने ससुराल वालों की तरफ से क्या क्या तहाइफ मिले। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शोबिज से आने वाली हर नई अपडेट बर वक्त आप तक पहुँच सके। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने लंबी डेटिंग के बाद एक साथ चंद रोज पहले ही शादी कर ली है और मुद्दाओं को सरप्राइज दे दिया है। कैटरीना कैफ की और विकी कौशल की शादी की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और काफी ज्यादा पसंद की गईं। कैटरीना कैफ और विकी कौशल दोनों ने लव मैरिज की है और दोनों शादी के बाद भी जब पहली बार सामने आए तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। कैटरीना कैफ की शादी को अभी चंद रोज ही हुए हैं कि कैटरीना कैफ ने पहली दफा अपने ससुराल में कुछ पकाया है। कैटरीना कैफ ने पहली दफा हलवा पकाया है और कैटरीना ने इसकी पिक्चर अपने मदाहों के साथ शेयर की है और साथ ही उन्हें बताया है कि मैंने बनाया है। कैटरीना ने पहली दफा हलवा बनाया और विकी कौशल ने इसको बहुत पसंद किया। विकी कौशल ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें बताया बेस्ट हलवा एवर। कैटरीना कैफ की पहली दफा कुछ पकाने की ये रस्म जिसे भारत में रसोई कहा जाता है। कैटरीना ने इस रसोई की रस्म में हलवा पकाया है और इस रस्म में ससुराल वालों की तरफ से दुल्हन को तहाइफ दिए जाते हैं। कैटरीना कैफ को विकी कौशल ने बहुत ही महंगा डायमंड का सेट दिया और कैटरीना की नन ने भी कैटरीना को बहुत ही प्यारी सी बैंगल्स दी। कैटरीना की तरफ से पकाया जाने वाला पहला खाना देखकर पहली डिश देखकर मुद्दा बहुत हैरान हुए कि कैटरीना भी खाना पकाना जानती हैं। इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद उन्होंने शादी के चंद रोज बाद ही हलवा बना लिया। आपको ये सब जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।